हेलो दोस्तों, टेक्निकल जीवन में आप सभी का स्वागत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में जो ऐसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन टेक्नोलॉजी का नाम इंग्लिश नामों से जानते हैं, उनका एक्चुअल नाम क्या होता है ये किसी को नहीं पता होता। जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे ही टेक्नोलॉजी वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में उनके हिंदी में मतलब बताने वाला हूँ, जिसके बारे में शायद उनके बारे में आप लोग जानते होंगे और हैरान होंगे कि ऐसा भी कुछ नाम होता है। अगर आपको जानते हैं तो इनके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले वर्ड होता है वो इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, रोज़ाना डेली लाइफ में इंटरनेट का को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट तो आप समझ जाओगे कि इंटरनेट कहा क्या होता है, क्या होता है इसका एक्चुअल हिंदी में मतलब शायद आपको पता नहीं होगा। इंटरनेट का हिंदी में मतलब होता है कि भूजाल। भूजाल थोड़ा, जी दोस्तों, भूजाल थोड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, एक्चुअल में हिंदी में इंटरनेट का मतलब होता है भूजाल। ये सुनने में अजीब सा लगता है, मैं अगर इंटरनेट बोलूँ तो समझ जाओगे, मैं अगर भूजाल बोलूँ तो शायद आप नहीं समझोगे। कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए शॉप में जाते हो तो उसमें एक बार बोल कर देखना, भूजाल रिचार्ज कर दो, तब उसका रिएक्शन देखना। इसके बाद अगला वर्ड आता है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना ही होगा, शायद आपको पता भी होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब बहुत ही ना के बराबर लोगों को। सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी वर्ड है या फिर इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में एक्चुअली मतलब होता है कि कर्मानुदेश। जी दोस्तों, कर्मानुदेश, देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटा मोटा कर्मानुदेश है, इसका जो मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर। हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हिंदी में मतलब थोड़ा कर्मानुदेश अजीब है लेकिन सच है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, कुछ भी काम नहीं होता, जिसका नाम कंप्यूटर। चलिए ये जान लेते हैं इसका एक्चुअल नाम क्या होता है। कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी का वर्ड है जिनको हम बेसिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब होता है संगणक। नाम लेने में अजीब सा लगता है, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर का हिंदी में क्या मतलब होगा, आपने देखा कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या मतलब होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो सोचो क्या होता है, दिमाग लगाओ दोस्तों, इंटरनेट रिलेटेड है। अरे भाई, चैट, या चैट, रोज़ाना करते हो किसी ना किसी से चैट। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप समझ जाओगे कि चैटिंग का क्या मतलब होता है, तो इसका एक्चुअल में हिंदी में क्या मतलब होता है शायद नहीं पता होगा। चैट का हिंदी में मतलब होता है बकवास या बातचीत करना। इसके बाद अगला वर्ड आता है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है लैपटॉप। हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलूँ लैपटॉप तो ऐसा होता है कि आप समझ जाओगे कि लैपटॉप का क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब जान के आप भी सभी लोग जानकर हैरान रह जाओगे। तो लैपटॉप का नाम सभी लोग जानते हैं कि लैपटॉप किसी तरह दिखता है, कैसे तरह दिखता है, एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है छोटा छोटा गणक। जी दोस्तों, लैपटॉप को हिंदी में छोटा गणक कहते हैं। दोस्तों, लैपटॉप को हिंदी में छोटा गणक कहते हैं। अगली बार कोई लैपटॉप खरीदोगे या फिर पापा से परमिशन लोगे कि उनसे बोलना मुझे छोटा गणक चाहिए, पापा बोलेंगे छोटा गणक क्या होता है, उनसे बोलना लैपटॉप, बस उसके बाद जो आपको प्रसाद मिलेगी उसके बाद खुश हो जाओगे। इसके बाद जो वर्ड आता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, को बोलना कितना आसान है, कितनी आसानी से बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है प्रौद्योगिकी। देखो कितनी मुश्किल है भैया, हमारे लिए तो टेक्नोलॉजी वर्ड ही काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि आपको घरों में ज़रूर होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, जिसका नाम टीवी या फिर कहें तो टेलीविज़न। आपको बता दें कि टीवी टेलीविज़न का हिंदी में मतलब होता है वो भी होता है दूरदर्शन या चित्रपटल। देखो दूरदर्शन कहें तो ठीक है, चित्रपटल आगे से भैया, चित्रपटल ही कहना। आपको कोई भी दोस्त आपसे बोले क्या कर रहे हो तो मैं तो चित्रपटल देख रहा हूँ, वो समझ जाएगा वो क्या कह रहा है। टेलीविज़न के बाद नाम आता है सोशल मीडिया, जैसे कि हो गया फेसबुक, हो गया ट्विटर, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया चैटिंग से जो भी आप सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया का नाम से आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है वो होता है सामाजिक माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है जिसका बारे में ज़रूर पता होगा, शायद इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करते होंगे, जिसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर इसका इस्तेमाल लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ प्रिंटर तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है वो थोड़ा सा फनी है, जिसका नाम है मुद्रक।
प्रिंटर को हम बेसिकली हिंदी में मुद्रा कहते हैं। यहाँ मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मुद्रा मतलब होता है पैसा। यहाँ प्रिंटर का मतलब मुद्रक होता है। मुद्रा और मुद्रक में अंतर क्या कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो शायद आपके हाथ में होगा, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। सोचो ऐसा क्या है। मोबाइल फ़ोन भाई आपको हाथ में अभी होगा। जी दोस्तों, मोबाइल फ़ोन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मोबाइल फ़ोन क्या होता है, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी में मतलब थोड़ा सा फ़नी है। जी दोस्तों, थोड़ा सा जानकर हैरान भी रह जाओगे। मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है चल दूरभाष। जी दोस्तों, अगर मैं आप किसी से कहूँ भैया भैया चल दूरभाष दे दे, तो वो पूछेगा चल दूरभाष। चल का मतलब चलना, दूर का मतलब दूर, भाष का मतलब भाग जाना, ऐसा ही कुछ सोचेगा। इसका जो मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, आगे से अगर कोई आपसे पूछे मुझे मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल हिंदी मतलब क्या होता है, तो आप उससे कहना चल दूरभाष। वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है। ये कुछ टेक्नोलॉजी के कुछ वर्ड थे तो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उनका नाम हमें बस इंग्लिश वर्ड में ही पता है। इनका एक्चुअल नाम हिंदी में मतलब किसी को नहीं पता। आई होप अब आपको सब पता चल गया होगा इनको हिंदी में का मतलब क्या होता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, वीडियो अच्छा लगे तो और कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो में कैसा लगा। तो दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको पता चल सके कि अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।